हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग के साथ मैं अपनी ये बहुत पुरानी फाइल शेयर कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियो डाल रही हूँ, और मैं अब अपनी ये फर्स्ट जो फाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपसे को मैं ये वीडियो में दिखाना चाहूँगी कि हमें क्लासेस में फर्स्ट बार क्या क्या सिखाया जाता है, किस किस तरीके से सिखाया जाता है। तो जो ड्राफ्टिंग की फाइल है और ड्राफ्टिंग की जो कॉपी है और थ्योरी है, वो तो मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी, तभी आप लोग को समझ में आएगा। पर ये जो प्रैक्टिकल में किया गया हुआ है, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये भी दिखाना ज़रूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें मेरा ये पहला पार्ट दिखाई दे रहा है सिलाई का। तो ये जब सब जो भी स्टिचिंग हो रखी है, जितने वर्क हो रखेंगे, ये सब मैंने हाथ से किया हुआ है। इसमें आप लोग बटन लगा हुआ दिख रहे होंगे, हुक लगा हुआ, आई पैंट शर्ट में कैसे लगता है, तुड़पाई कैसे होती है, काज बटन कैसे होते हैं, और जो जिस तरीके से होता है सब इसमें दिखाया गया है सिंपल में। और आप लोग को ये कढ़ाई भी दिखाई दे रहा होगा, वर्क एक बाई एक आप लोग को सब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। हाँ जी, यही सब कढ़ाई एक बाई एक। तो इस कढ़ाई का भी आना हमारे लिए ज़रूरी है सिलाई में, स्टिचिंग में, मतलब इसलिए ज़रूरी है ताकि जैसे कि हम कोई डिज़ाइनिंग ड्रेस बना रहे हैं और हमें उसमें कढ़ाई चाहे वर्क की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास, आपको कोई भी वर्क आ रहा होगा, तो कहीं भी लगा के आप अपना एक सुंदर और एक प्रिटी ड्रेस तैयार कर सकते हैंगे, ताकि वो बहुत सुंदर लगे और बहुत वो लगे, ताकि लोग भी देखें तो कहें कि हाँ, इसको मात्र सिलाई ही नहीं की गई है, इसके अंदर बहुत मेहनत की गई है। तो ये मैं आप लोग को ये कढ़ाई सिर्फ दिखा रही हूँ, ये करके नहीं दिखा रही हूँ, पर दिखा रही हूँ सिर्फ हाथ से किया गया हुआ कढ़ाई का। तो अब मैं आप लोग के साथ अपनी फाइल एक बाई एक दिखा रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को ये हैंकी दिखाई दे रही होगी, ये लेडीज़ हैंकी है, और ये जो वर्क हो रखा है, ये जो फूल वगैरह बने हुए हैं, ये सब भी हाथ से बना हुआ हैगा। तो ये जितना भी काम हुआ है इसके अंदर, इस कपड़े के ऊपर, ये सब हाथ से ही किया हुआ है दोस्तों। तो ये मैं एक बाई एक, ये हमारा पहले पहले पार्ट हैं, जो पहले पहले हमारे क्लासेस में हम लोग को सिखाए जाते हैं, वो सब चीज़ मैं आप लोग इसको दिखा रही हूँ। अब जैसे कि आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बेबी पैंट। जी दोस्तों, बेबी पैंट वो जो बच्चों को पहनने के काम आते हैं, तो इसमें आप लोग को फ्रिल का और डेकोरेट किया हुआ एक बेबी पैंट, और फिर से एक पाइपिंग किया हुआ पैंट दिखाई आप लोग को दे रहा होगा। तो ये हम लोग का मतलब बच्चों को पहनने की ड्रेस है। तो मैं एक बाई एक अपना ये फाइल आपको दिखा रही हूँ, तो इस वीडियो में हो सके तो पूरा नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं हो सके तो इसको पार्ट बाई पार्ट डालूँगी इस फाइल को, मतलब पूरी फाइल को पार्ट बाई पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके डालूँगी। तो जितना इस वीडियो में आ सकेगा उतना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जीन्स लोग को पहनने का अंदर का पैंट हैगा, मतलब तो ये प्लेन पैंट हैगा, एक प्लेन है और एक मियानी वाला हैगा। तो इसमें दोनों चीज़ का किया हुआ है, ये पैटर्न, छोटे छोटे पैटर्न बने हुए हैं, जो हम लोग को बड़ा बड़ा करके सिल सिल के दिखाया गया था, हम लोग सिलाई भी किए हैं। बहुत पुराना है ये वैसे तो, अब मेरे को तो ये कुछ भी नहीं है, पर आप लोग के बहुत काम की चीज़, जिसे सिलाई नहीं आती है उसके बहुत काम की चीज़ है। मैं तो अब बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग ड्रेस तैयार करती हूँ, पर इसमें जो काम हुआ है उस टाइम का मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम में इतना भी काम अगर आ गया आप लोग को, इतना भी आ गया, तो आप लोग सिलाई में बहुत सक्षम हो जाएंगे और बहुत आप लोग को मतलब आ जाएगा। तो एक बाई एक मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए चार कली का पेटीकोट और छह कली का पेटीकोट हैगा, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जी दोस्तों। तो पेटीकोट तो बहुत तरीके के होते हैं, छः कली का, चार कली का, आठ कली का, 16 कली का, राजस्थानी पेटीकोट, हर तरीके का पेटीकोट है, 2 कली का पेटीकोट होता है। तो इसमें मात्र 2 कली का, 6 कली का पेटीकोट आप लोग को दिखाया गया है, जो मैं पैटर्न में आपको दिखा रही हूँ। तो पेटीकोट भी बहुत तरीके के होते हैंगे, तो ये एक शुरुआती दौर में जो शुरुआती काम होता है वो दिखा रही हूँ मैं आप लोग को जी दोस्तों। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, और अब मैं ये दिखाई दे रहा होगा आपको बेबी बेबी
है जो समीज है, मतलब बेबी के पहनने का फ्रॉक हैगा। तो इसमें ये बेबी बना सिलाई भी हो रखा है, और दोस्तों ये वर्क जो दिखाई दे रहा है, ये स्टोन लगे हुए, सितारे लगे हुए, ये काम भी हाथ से किया हो गया। तो अगर आप लोग को पढ़ाई आती होगी तो आप अपने ड्रेस को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो आप लोग को इतना ही दिखा पाऊँगी इस वीडियो में, और मतलब ये पार्ट वन में, बाकी और नेक्स्ट वीडियो दूसरे वीडियो में डालूंगी। तो आशा होगा कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।